नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रतिभा और छत्तीसगढ़ी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं नुनिया भाजी। इसे छत्तीसगढ़ में कैसे बनाया जाता है इस वीडियो में हम जानेंगे। वैसे इसे कई तरीकों से बनाया जाता है, पर आज हम इसे मसूर की दाल और दही के साथ बनाएंगे, जो कि छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। इसे भारत के कई प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कुल्फा भाजी, चिवाइची, नोनी आदि। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं इसे घर पर कैसे उगाया जा सकता है ये टिप्स बताऊंगी। यह बहुत ही आसानी से उग जाता है, खरपतवार की तरह है। नुनिया भाजी, इसे बनाने के लिए हमें चाहिए दही, खड़ा मसूर जिसे आधे घंटे तक भिगा लेना है, लहसुन और मिर्च तड़का लगाने के लिए, हींग, हल्दी, नमक, धनिया, लाल मिर्च पाउडर। अब इसे कुकर में डाल देंगे। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, बाकी नमक हम दही में डालेंगे। पानी नहीं डालेंगे और 2 सीटी आने तक कुकर बंद करेंगे। ये भाप में पक जाता है, आवश्यकता अनुसार पानी भी डाल सकते हैं। चलिए कुकर में 2 सीटी आने तक दही में तड़का लगा लेते हैं। अब तेल गर्म करेंगे और इन्हें भुनेंगे। धनिया, हल्दी, हींग, लाल मिर्च, दही डालेंगे। और चम्मच चलाते रहेंगे। कुकर खुल चुका है, इसे मैंने 2 सीटी में बंद किया था। ये अच्छे से पक गई है, अब इसे कढ़ी में पकाएंगे दही के साथ। अब भाजी इसमें डाल देंगे। इसे कढ़ाई में भी बनाया जा सकता है, पर वह बहुत टाइम लेता है। अब भाजी कुकर से हमने निकाल के इसमें डाल लिया है, और कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के सारी भाजी निकाल लेंगे, इसमें डाल देंगे और इसे लसलसा होते तक पकाएंगे। अब इसका रस गाढ़ा हो चुका है, नुनिया भाजी तैयार है। छत्तीसगढ़ स्पेशल नुनिया भाजी तैयार है। अब इसे चखकर देख लेते हैं। खटास बिल्कुल परफेक्ट है, तड़के की खुशबू अच्छी आ रही है। स्वादिष्ट नुनिया भाजी। इस भाजी में ऐसे बीज होता है जिसे धोने से यह पानी में नीचे झड़ जाता है, और किसी भी भाजी को काटने से पहले धो लेना चाहिए। ये सारे बीज पानी में आ गए हैं, ये डूब जाता है, इसमें वेट होता है। और भाजी को लाकर आप इसे गमले में डाल दें धोकर, तो आसानी से उग जाता है।